वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग ने लास्ट टर्म पे व्हीटस्टोन ब्रिज उसके बारे में पढ़ा था। तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड हैं वो हमने डिस्कस किए थे। अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज था वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो तो आसान सा होता है। अभी अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के दो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हैं जो बिल्कुल बेसिक, यानी बोले पर उसमें जरा सी भी अगर गलती आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं तो वो पूरा आंसर गलत हो जाता है। यानी बहुत सावधानी से और बहुत धैर्य के साथ, यानी पेशेंस के साथ आपको उसे सॉल्व करना होता है। तो बहुत सारे बच्चे कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। इवन जो एक्सपर्ट है वो भी अगर उसको दोबारा अटेम्प्ट करता है तो आंसर गलत आने की संभावना रहती है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक जो है उसमें एक्चुअल में मैथमेटिकल मिस्टेक होती है और उसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। सो लेट्स डिस्कस दोज टू क्वेश्चंस, उन दोनों क्वेश्चंस को मैं आपको करवा रहा हूँ बच्चों। सो अच्छे से इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दीज टू क्वेश्चंस। तो ये कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, 3.8। सॉल्ड एग्जाम्पल होने के बावजूद इसको आपको क्या करना है, अपने तरीके से करना है। अपना साइन कन्वेंशन जो आपने सीखा है केवीएल के लेक्चर्स में, वही साइन कन्वेंशन लगाकर आप इसे सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी बनेगी। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट साइन कन्वेंशन है। हम किसी भी तरीके से करें आंसर सेम निकल के आएगा। तो पहले मैं क्वेश्चन क्या है वो बता देता हूँ। तो 3.8 में एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने के लिए हम चार पॉइंट मार्क करते हैं, चार रेजिस्टेंसेस को एज फोर साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम अरेंज कर देते हैं। ये पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी सीक्वेंस में, ए बी सी एंड डी। अच्छा, जो वैल्यूज दी हुई हैं रेजिस्टेंसेस की वो हैं, इधर ए बी के बीच में लगा हुआ है 100 ओम, ओम में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जगह वैसे कम है हमारे पास। बीसी के बीच में लगा हुआ है 10 ओम, एडी के बीच में 60, और सीडी जहां पे हम एस लगाते थे वहां पे है 5 ओम। एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है जिसका रेजिस्टेंस वहां पर है कुछ 15 ओम दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ उसको अलग से दिखा देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना रहे। एनसीईआरटी में नहीं दिखा अलग से, 15 ओम का गैल्वेनोमीटर ही बोला। और एक बैटरी यहाँ लगी हुई है 10 वोल्ट की, वन ऑफ द डायगनल के अक्रॉस ये 10 वोल्ट की बैटरी। आपके पास बजट है तो की लगा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, की इज ऑप्शनल। सो ये सर्किट है जिसे सॉल्व करके, यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपको। अगर मैं डायग्राम बनाकर सिंपली लिख देता हूँ आई जी क्वेश्चन मार्क, तो मैं समझता हूं अब किसी लैंग्वेज की जरूरत यहां पर नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहां पर क्या पता करना है। तो हमें यहां पर आईजी पता करना है, यानी गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट फ्लो होगी। सो लेट स्टार्ट इन दिस वे, यानी अननोन करंट जो है हमें आईजी पता करनी है। अब इस आईजी को मैं नीचे से ऊपर भी मान सकता हूं, डी से बी भी जा सकती है, बी से डी भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। आपको इस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करें अवेयरनेस के साथ करें, और ऐसा एक ट्रिक है ऐसी जो मैं आगे के लेक्चर्स में आपसे शेयर करूंगा, कि हम इन रेजिस्टेंस की वैल्यू से ही पता लगा सकते हैं कि करंट डी से बी जाएगी या बी से डी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर ये मान लेता हूँ, दो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, एक में हम नीचे से ऊपर मान लेंगे, उस दूसरे में ऊपर से नीचे मान लेंगे। तो ये करंट है आई जी जो डी से बी जा रही है, बस यही अननोन है जो मुझे पता करना है। अब इसे पता करने के लिए पूरा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैं यहां पे बनाता हूं। सपोज ये करंट चली आई, जंक्शन ए पर जाकर इसे दो रास्ते मिलते हैं, और माना कि ऊपर 100 ओम के रेजिस्टेंस में गई आई वन, और बची हुई करंट हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट से ए पर लगा देते जंक्शन लॉ। तो जंक्शन लॉ मैंने डिफॉल्ट से लगा दिया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई माइनस आई वन जो बची वो जाएगी नीचे की ब्रांच में। अब क्योंकि आई माइनस आई वन में से आई जी इधर मुड़ गई है जंक्शन डी पर, तो बची हुई करंट जिसमें से आई जी और सब्ट्रैक्ट हो गया है
यानी आई माइनस आई वन माइनस आई जी वो जाएगी डी से सी और इधर से आ जाएगी बी पर। आई जी और आई वन मिलकर बनेंगी आई वन प्लस आई जी और वो यहाँ से आएंगी करंट और ये वापस सी पर आकर मिलकर बन जाएगी। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट जिसको मैं मैग्नीफाई करके आपको दिखा देता हूँ जिससे जो बच्चे छोटी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको भी क्लैरिटी आ जाए। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर करंट। तो सबसे पहले स्टेप यही है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप बना लीजिए। अब दिमाग में रूपरेखा पूरी क्लियर होनी चाहिए आपको। आपको क्या निकालना है? जवाब है आई जी निकालना है। आई जी निकालने के लिए आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, कितने अननोन है यहाँ पर, हमको क्या क्या नहीं पता। तो क्या क्या नहीं पता? हमें आई नहीं पता, हमें आई वन नहीं पता और आई जी तो है ही सही। सो कुल मिलाकर तीन अननोन है। तो तीन अननोन के लिए आपको कितनी इक्वेशन चाहिए? जवाब है तीन। तीन इक्वेशंस ऑप्टेन करने के लिए आपको कितने लूप चाहिए? जवाब है तीन। पहला लूप ए बी डी ए, ये छोटा वाला। दूसरा लूप बी सी डी बी, ये चलने की डायरेक्शन हमने तय की क्लॉकवाइज। तीसरा लूप आपके पास ऑप्शन है ए डी सी, यहां पर मैं लगा देता हूँ डी तक तो आएगा तो ई लिख देता हूँ इस पॉइंट को। नेम नाम चाहिए हमको इसको एफ। तो ए बी सी ई एफ ए ये भी ले सकता हूँ, ए डी सी ई एफ ए ये भी ले सकता हूँ। तो अब सवाल उठता है कौन सा सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो कौन सा सूटेबल रहेगा जिसमें लेंथीनेस कम हो जाए, यानी क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाए, सॉल्यूशन थोड़ा छोटा हो जाए। तो अगर मैं ये बाहर बाहर जाता हूँ, जैसे होता है ना शहर में होकर जाना है या बाईपास बाहर से जाना है तो टाइम कम लगेगा, तो ये बाहर बाहर होकर जाता हूँ तो टाइम कम लगेगा। रीजन उसका ये है कि अंदर ये देख रहे हैं करंट के टर्म में तीन तीन करंट आ रही है, आई माइनस आई वन माइनस आई जी, जबकि वहां दो ही हैं एट दी मोस्ट। यहाँ दो है, यहाँ तीन है, जबकि यहाँ एक है और यहाँ दो है। तो इक्वेशन छोटी रहेगी अगर हम बार बार चलते हैं। तो हमने तय कर लिया कि हम बाहर बाहर ही जाएंगे, यानी वो वाला लूप लेंगे। तो अब मैं इक्वेशंस लिखता हूँ सिचुएशन के लिए। अच्छा ये बीच में आ रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ, पता तो चलेगा हमें 3.8 डिस्कस कर रहे हैं। अप्लाइंग केवीएल इन लूप, सबसे पहले हम लूप लेते हैं ए बी डी ए। तो ए बी डी ए में मैंने केवीएल लगाया। अब देखिए कन्वेंशन वही फॉलो कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सॉरी करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में जा रहे हैं तो ड्रॉप होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस 100 आई वन प्लस 15 आई जी, क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं, प्लस अभी भी अपोजिट जा रहे हैं 60 टाइम्स आई माइनस आई वन इक्वल टू जीरो। आगे मैथमेटिक्स से सॉल्व करने के आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ, कॉमन भी ले लेता हूँ उसमें से, मैं 5 कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास बचता है, कंबाइन भी कर देता हूँ, माइनस 32 आई वन प्लस 3 आई जी प्लस 12 आई इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर वन, इसको मैं डाल देता हूँ। अब दूसरा लूप ले लेते हैं हम, लूप बी सी डी बी। ऑब्जेक्टिव माइंड में क्लियर होना चाहिए। दूसरा लूप लेकर मेरे को क्या करना है? एक्चुअल में आई जी निकालना है, तो मैं सबको आई जी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी आई वन की वैल्यू आई जी के टर्म्स में, आई की वैल्यू आई जी के टर्म्स में उठा के रख देंगे। तो बी सी डी बी में अगर मैं लगाता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है -10 टाइम्स आई वन प्लस आई जी, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में गए हैं, प्लस 5 अब अपोजिट जा रहे हैं, आई माइनस आई वन माइनस आई जी ये मिल रहा है, और फिर अब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -15 आई जी और वापस पहुंच गए, लूप कंप्लीट हो गया इक्वल टू 0। इसमें से भी देख रहे हैं आप 5 कॉमन आ जाएगा, फिर आई वन और आई जी वाले टर्म्स को अलग अलग मैं करके लिखता हूँ। अगर आप दिमाग में ये स्टेप्स चला सकते हैं तो बच्चों इनके नंबर नहीं होते, आप डायरेक्टली दिमाग में चलाइए वो बेटर है। इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस कि कितनी प्रैक्टिस आपकी बन गई है। -3 आई वन माइनस 6 आई जी, बस यही गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी क्वेश्चन एक बार में सही हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां से मैंने क्या किया,
क्योंकि मुझे I1 I को एलिमिनेट करना है, तो मैंने I1 की वैल्यू निकालना प्रेफर किया, तो I1 की वैल्यू मुझे मिल रही है इक्वल टू 1/3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये 3 उधर जाके डिवाइड करेगा, I-6IG/3। साइड कैसे चेंज करते हैं आपको पता ही है। सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, अब मुझे I1 की वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं I1 की इस वैल्यू को इसमें रख दूंगा अगर इक्वेशन 1 में, तो मुझे I की वैल्यू भी IG के टर्म्स में मिल जाएगी। सो पुटिंग दिस सपोर्टिंग लैंग्वेज जरूरी होती है बोर्ड में, जब आप लिख रहे हैं आपको बाउंड कर दिया जाता है KVL यूज करके कीजिए, नहीं तो कोई शॉर्ट ट्रिक भी हम लगा सकते थे। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में अगर मैं इसको रख देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है -32 टाइम्स I-6IG/3 या 1/3, तो मैं 32/3 कर देता हूँ उसको, +3IG+12Y=0। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और कुछ स्टेप आप चाहें तो दिमाग में चला लें। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है कि क्या हमने एलिमिनेट कर दिया इसमें से, I1 को एलिमिनेट किया है और मुझे I निकालना है, तो I मुझे यहाँ से मिलता है, पहले मैं सिंप्लीफाई करके इक्वेशन को लिखता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ उसको 4I+IG जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 201IG, ये सारा मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो =0। और यहां से मुझे मिल जाएगा IG मिल जाएगा, IG के लिए मैंने कन्वर्ट कर दिया, IG मिल जाएगा -400/201I। ऐसा भी कर सकते थे, I की भी वैल्यू निकाल सकते थे। अब अगर मैं I की वैल्यू निकालता तो इसको रख देता तीसरी इक्वेशन जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं उसमें, और आई जी निकाल लिया तो कोई बात नहीं, वहां से हम आई की वैल्यू निकाल के यहां रख देंगे बात एक। तो मैं तीसरी इक्वेशन लेता हूं इन लूप, अब हम लगा रहे हैं केवीएल को लूप जो बाहर बाहर हम जा रहे हैं, यानी ABCEFA बाहर बाहर एफ ए इसमें लगाया, तो मैं क्या लिखूंगा -100 I1 -10 times I1+IG, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और +10, बाकी और कोई करंट वाली टर्म है नहीं तो ये बैटरी आ गई +10=0। तो एक तो 10 कॉमन आ गया दिख रहा है, तो दिमाग में कैलकुलेशन चला सकते हैं, I1 वाले कितने टर्म्स हैं वो भी दिख रही है, तो क्या इक्वेशन बन गई बच्चों, -11 I1, क्योंकि जुड़ गया 110 हो रहा था, -IG 10 तो कॉमन आके खत्म हो गया, +1=0। हमें चाहिए I और IG में मिल जाए, या ऐसा है इक्वेशन जो है, तो यहां से मैं क्या करता हूँ 11 I1 और ये जो वैल्यू मुझे मिल रही है, तो मैं जो है I1 को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि मुझे तो I की वैल्यू चाहिए, ऊपर से उठा के रख देता हूँ इधर से, ये जो इक्वेशन 2 में दिख रही है I1 की वैल्यू उसको रख देता हूँ। सो -11 I1 की जगह आ गया बच्चों, 1/3 तो है तो ये बाय 3 बाहर रख दिया मैंने, I-6IG/3 आ चुका है, ठीक है, -IG+1=0। यहां से अगर मैं I पता करता हूं, इसको मैं I के लिए कन्वर्ट करता हूं, देन आई गॉट I=63IG, सबट्रैक्ट करेंगे 11 था, 63IG+3 बचेगा upon 11। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, यानी इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर
अभी तक हम कितनी इक्वेशन यूज कर चुके हैं? इक्वेशन थ्री मैंने लिखी नहीं थी, हालांकि ये इक्वेशन थ्री है जिसमें हमने वैल्यू पुट कर दिए टू से, तो ये है इक्वेशन फोर। नाउ यूजिंग फोर एंड ये वाली इक्वेशन, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन ए, यूजिंग फोर एंड ए, इक्वेशन फोर एंड ए, हमें आई जी चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ आई की वैल्यू उठाकर ए में रख रहा हूँ उसको। ए मैंने जानबूझ के लिखा क्योंकि ये फाइनल इक्वेशन है और इक्वेशंस नहीं बनानी हमको। आई जी इक्वल टू -4 अपॉन 201, और आई की जगह आ जाएगा 63 आई जी +3 अपॉन 11। और भी किसी तरीके से कर सकते हैं, तो अब फिजिक्स तो है नहीं यहाँ पर, सिंपली मैथमेटिक्स है, तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो आई जी की वैल्यू हमको निकालनी है, इधर वाला आई जी भी उधर जाएगा, कॉमन आएगा, तो ये आपको डेटा मिलने वाला है बच्चों -12 अपॉन 2463। कई बच्चे इस स्टेप पे आके सोचते हैं अरे ये क्या आ गया इतना बड़ा, कुछ गलत तो नहीं है? तो जब ये इतनी बड़ी क्वांटिटी आ रही है, करंट बहुत कम है डिनोमिनेटर में, बड़ी क्वांटिटी आ रही है, तो हम इसको एम्पियर की बजाय क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्सप्रेस कर देंगे मिली एम्पियर में, तब ये सूटेबल फॉर्मेट में आ जाए। अभी कैलकुलेटर की जरूरत आपको पड़ सकती है, अगर आप कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करते हैं, डिविजन निकालते हैं, देन यू विल गेट 4.87 मिली एम्पियर, विच इज वैल्यू ऑफ आई जी। और थोड़ा सा और सावधानी अगर हम रखें तो इस माइनस साइन को ना भूलें, ये नेगेटिव है। व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट हियर? नेगेटिव साइन बच्चों ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो करंट है डी से बी जाने के बजाय बी से डी जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो मैं समझता हूँ इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, क्वेश्चंस को इस क्वेश्चन को कर लें, इसके बाद फिर अटेम्प्ट करें एक्सरसाइज का 3.9, जिसको मैंने नाम दिया था बेंचमार्क क्वेश्चन, यानी सिंगल अटेम्प्ट में एक बार में अगर आप इसका सही जवाब निकाल लेते हैं जो पूछा गया है, तो आप ये मान सकते हैं कि केवीएल पर आपकी मास्टरी हो गई, लूप लॉ पर मास्टरी हो गई, नहीं सारे जो साइन कन्वेंशन वगैरह सब अच्छे से प्रैक्टिस हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 3.9 जो है वो क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3.9 ये कहता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है वही 5 10 10 5 वाला, यानी अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारे पास। तो हमने चार पॉइंट बनाए, उनको लिखा ए बी सी डी, पेशेंसली काम करते चले बच्चों, सी डी, टाइम तो लगेगा, कई जगह ऐसी होती है जहां पर टाइम आप बचा नहीं सकते हैं, तो दिमाग को शांत करना होता है, हाँ इसमें समय लगेगा, पेशेंसली इसको करना ही है। तो किस तरह से है रेजिस्टेंस 5, सॉरी ये वाला 10 है शायद, तो ये वाला 10 है, 10 5, अगर यहां भी 10 5 होता तो हमारा काम खत्म था, पर यहां 5 है और यहां 10 है, जिसकी वजह से P अपॉन Q R अपॉन S नहीं हो पा रहा है। बैटरी लगी हुई है अलॉन्ग विद 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में 10 ओम ये बैटरी लगी, बैटरी भी 10 वोल्ट की है, डेटा तो इजी इजी है, फिर भी क्वेश्चन लेंदी है। और गैल्वेनोमीटर की जगह यहां पर आपको दिया हुआ है 5 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम, और आपसे पूछा गया है कि डिफरेंट ब्रांचेस में जो करंट फ्लो होगी वो बताओ, अलग अलग ब्रांचेस की, सारी ब्रांचेस की करंट आपको बतानी है जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में फ्लो होगी। तो मान लीजिए ये ए बी सी डी तो है ही सही, ये पॉइंट हो गया ई, ये हो गया एफ, माने कि यहां से करंट चलती है आई, तो एक तो हमको कौन सी करंट पता करनी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई एफ ए, इट इज टू बी फॉर्म, जो किसके बराबर है, आई के बराबर।
जंक्शन ए पर जाकर करंट को दो रास्ते मिलते हैं, करंट विल गेट डिवाइडेड, और डिवीजन पिछली बार जैसे हमने लिया वैसे ले लेते हैं। ये सपोज आई वन है तो बचे हुए करंट डिफॉल्ट से लगा देंगे जंक्शन लॉ, आई माइनस आई वन जाएगी इधर, आई माइनस आई वन इधर गई। फिर से अगर मैं ये मान लूँ कि गैल्वेनोमीटर में आई जी ऊपर जा रही है ना, सब मान सकते हैं गैल्वेनोमीटर यहाँ है नहीं पर मान सकते हैं आई जी इज मूविंग फ्रॉम डी टू बी। अब जब करंट आई वन इधर से आ रही है और आई जी इधर से आ रही है, पॉइंट बी पर ये जब पहुंचेंगी तो बच्चों दोनों मिलकर इधर जा रही है, और मैं लिख सकता हूँ बी सी में करंट होगी आई वन प्लस आई जी। ब्रांच डी सी की बात करें तो आई में से आई वन तो पहले कम हो गई थी ए पर, आई जी और कम हो गई, तो आई माइनस आई वन माइनस आई जी, और फिर सी पर आकर सारे मिलकर वापस बन जाएगी आई। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर करंट, लगभग वैसे जैसा हमने 3.8 में लिया था। ये लूप जिसमें चलने की डायरेक्शन, लॉजिकली आप सोच सकते हैं विच लूप विल बी बेटर, अंदर वाला या बाहर वाला। तुम देख रहे हो बाहर वाला में ही कम करंट आ रही है, अंदर वाले में तो ज्यादा टर्म्स आएंगी, लेंदी हो जाएगा, तो हम बाहर बाहर वाला लूप ही लेंगे। तो फिर से जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया वैसे ही तीन लूप लेकर इसको सॉल्व करना है, पर अब की बार आपको समझना है कि खाली आई जी नहीं निकालना है आपको, करंट थ्रू वेरियस ब्रांचेस यानी आई एफ ए निकालना है, देन गैल्वेनोमीटर नहीं है फिर भी वो आई जी निकालना है, ठीक है, और क्या है आई वन ब्रांच ए बी के क्रॉस, और क्या निकालना है आई माइनस आई वन निकालना है, जो किस किसके अक्रॉस है, इसको मैं लिख सकता हूँ आई ए डी, ए डी के अक्रॉस है। फिर आई वन प्लस आई जी भी निकालना है जो बी सी के अक्रॉस है, आई वन प्लस आई जी विच इज अक्रॉस बी सी, और क्या निकालना है डी सी के अक्रॉस यानी आई माइनस आई वन माइनस आई जी जो कि डी सी के अक्रॉस करंट है। तो आपको अलग अलग ब्रांचेस की करंट निकालनी है जो इस तरह से हैं, एक दो तीन चार पाँच छः आंसर्स आएंगे, पर अननोन कितने हैं आपके पास, अननोन है आपके पास आई आई वन एंड आई जी, अननोन सिर्फ तीन है बच्चों, तो तीन लूप से हमारा काम बन जाएगा। कौन से तीन लूप, फिर से शुरू करते हैं, केवीएल लगाते हैं। सबसे पहले बाहर बाहर वाले में लगा लेते हैं, अप्लाइंग केवीएल इन लूप ए बी सीई एफ ए है या ई एफ है, ई एफ वापस ए भी लिखना जरूरी है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट ये मैच होना जरूरी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 ओम का रेजिस्टेंस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, -10 आई वन -5 आई वन करंट की डायरेक्शन में, अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, -5 आई जी और -5 बाहर रख के आई वन प्लस आई जी भी लिख सकता था, तो दोनों तरीके हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। +10 बार बार ये बैटरी में आगे 10 ओम, फिर 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस तो करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, -10 आई वापस पहुंच गए इक्वल टू 0। इसको सिंपलीफाई करके मैं लिख सकता हूं बच्चों, -3 आई वन, आई वन वाले टर्म्स को सब एक साथ लिया है, माइनस कॉमन भी ले लिया उसमें, 2 आई माइनस आई जी, अब देखेंगे 5 कॉमन आ जाएगा कट जाएगा उधर जाके, +2। कई बार बच्चों से गलती होती है कि यहां पर ये जो 10 है बच्चे जल्दबाजी में 10 ही लिख देते हैं, इसको 5 से डिवाइड करना भूल जाते हैं जब कॉमन लिखा, तो ध्यान रखना है स्टेक नहीं करनी। अब मैं क्या करता हूँ, सीधे एक ऑब्जेक्ट पकड़ के हम चलते हैं कि एक करंट हम निकाल लेंगे तो बाकी फिर उसकी टर्म्स में कैलकुलेट होकर आ जाएगी। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट पकड़ा, मुझे आई जी कैलकुलेट करना है, तो आई जी यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ एक्सप्रेशन तो मुझे मिलता है
माइनस थ्री आई वन माइनस टू आई प्लस टू, और मैं इसको नाम देता हूँ इक्वेशन वन। अब चलते हैं हम दूसरे लूप में, इन लूप ए बी डी ए, ए बी डी ए में मैंने लगाया केवीएल और मुझे मिलता है माइनस टेन आई प्लस फाइव आई जी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, माइनस फाइव इंटू आई माइनस आई वन, ऐसे भी लिख सकता हूँ और ब्रेक करके भी लिख सकता था। वापस पहुंच गए इक्वल टू जीरो। दिमाग में चला सकते हैं स्टेप्स, यहां से मैं क्या कर रहा हूँ आई वन निकाल ले रहा हूँ, आई वन इक्वल टू मुझे मिल रहा है आई प्लस आई जी का वन थर्ड, वन बाय थ्री टाइम्स आई प्लस आई जी। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब हम पकड़ते हैं दूसरा लूप, इन लूप बी सी डी बी, बी सी डी बी में अगर मैं लगा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मैं लिख सकता हूँ माइनस फाइव, अलग अलग करके लिख दिया आई वन माइनस फाइव आई जी, करंट के डायरेक्शन में जा रहे थे, प्लस टेन आई अपोजिट आ गए, माइनस टेन आई वन अलग अलग करके लिख दिया हमने, माइनस टेन आई जी आप चाहें तो एक साथ लिखिए, माइनस फाइव आई जी, वापस पहुंच गए इक्वल टू जीरो। तो यहां से कंबाइन करता हूँ, कॉमन लेता हूँ, तो रिजल्ट में जो मैं लिख सकता हूँ मेरे को क्या निकालना है, यहाँ से भी आई वन निकाल लेता हूँ, तो आई वन कितना आ जाएगा बच्चे, आई वन मुझे मिल जाता है, आई वन के लिए मैंने कन्वर्ट किया, कुछ चीजें कट गई यहाँ पर, तो यहाँ आ रहा है वन बाय थ्री कॉमन ले लूंगा मैं, बाकी जो बचा है वो आ रहा है मेरे पास टू आई माइनस फोर आई जी, यानी आई वन जो है आई और आई जी की टर्म्स में मिला मेरे पास। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। अब मैं क्या करता हूँ, टू और थ्री से एलिमिनेट कर देता हूँ मैं बच्चों, टू और थ्री से क्या एलिमिनेट कर सकते हैं आई वन, दोनों ही आई वन के टर्म्स में हमने निकाल लिया फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री। तो मैं लिख सकता हूं आई प्लस आई जी का वन थर्ड, दूसरी साइड भी वन बाय थ्री है तो काम बन जाएगा, माइनस वन बाय थ्री टाइम्स टू आई माइनस फोर आई जी। मैं आई जी पहले निकाल चुका हूं, तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, फिर से इसको मैं आई जी के लिए कन्वर्ट कर लेता हूं, या आई की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो आई की वैल्यू क्या मिल रही है यहां से देखें आप, आई की वैल्यू मिल रही है मुझे सीधे, आई की वैल्यू थ्री, थ्री तो कट गया ठीक है, ये तो कट गया, तो आई की वैल्यू मुझे मिल जाती है यहां से फाइव आई जी, आई इज फाइव आई जी। तो इसको हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर, आई की वैल्यू फाइव आई जी को किस में रख दें, देखो आप इक्वेशन नंबर टू में रखूं आई की वैल्यू फाइव आई जी, तो आई वन मिल जाएगा मुझे ओके फाइव आई जी फ्रॉम इक्वेशन टू, पुट इट इन इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू में मैंने इसको रखा, बी सी डी बी में हमने लगाया था ये इक्वेशन मिल ही जाएंगे, तो मुझे मिल जाता है बच्चों I1 इक्वल टू टू आई जी, तो I1 भी आई जी के टर्म्स में मिल गया। अब हम इक्वेशन वन में रख देंगे दोनों को, पुटिंग दीज इन इक्वेशन वन, रख दीजिए अभी इक्वेशन वन में, अगर मैं रखता हूं उसको टू और थ्री से तो मुझे क्या मिल जाता है, आई जी इक्वल टू
माइनस थ्री टाइम्स टू आई जी माइनस टू इंटू फाइव आई जी प्लस टू, तो यहाँ से आई जी की वैल्यू आ गई। सॉल्व करने पर आई जी इक्वल टू टू बाय सेवनटीन एम्पियर। आप देख रहे हैं पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव आई है, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी वो सही है। अब जब आई जी मिल गया तो आई वन मुझे मिल गया जो उसका ट्वाइस है यानी फोर बाय सेवनटीन एम्पियर, और मुझे आई मिल गया आई की वैल्यू फाइव टाइम्स यानी 10 बाय 17 एम्पियर। और आपको ध्यान ही रखना है बच्चों कि ये वैल्यूज उन करंट्स के जो हमने अज्यूम की है, आंसर में आपको क्या लिखकर आना है, आंसर में आपको ये छह वैल्यूज कैलकुलेट करके लिखकर आनी है। तो ये सारी वैल्यूज में पुट करेंगे तो वो देखेंगे कोई 4 बाई 17 आ रही है, कोई 6 बाई 17 आ रही है, कोई 10 बाय 17 आ रही है ना, इतने एम्पियर में। और अगर आपने इस करंट की सारी डायरेक्शन सही ली है तो सब पॉजिटिव आएंगे, कोई डायरेक्शन उल्टा लिया है गलत कुछ नहीं है इसमें तो वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये समझ जाएंगे कि हाँ करंट की डायरेक्शन जो हमने अज्यूम की है एक्चुअल में करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये हम समझ जाएंगे। तो ये दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, फिर अगले लेक्चर में मीटर ब्रिज में लेता हूँ। ठीक है, मिलते हैं, हैप्पी लर्निंग।